भारत की राजधानी दिल्ली कांग्रेस से त्रस्त है। दिल्ली की महिलाएं रोज होते अत्याचारों से और बलात्कारों से त्रस्त है। दिल्ली का हर घर कमर तोड़ बिजली के बिलों से त्रस्त है। दिल्ली टैंकर माफियाओं के हाथ में फंसे पानी के अभाव से त्रस्त है। दिल्ली के बच्चे सरकारी स्कूलों से नदारद पढ़ाई से त्रस्त हैं। दिल्ली के कॉलेज विद्यार्थी 15 साल से एक भी नए कॉलेज न खुलने से त्रस्त हैं। दिल्ली का युवा बढ़ती बेरोजगारी और खराब अर्थव्यवस्था से त्रस्त है। दिल्ली की रसोई 80 से 100 रुपए किलो टमाटर प्याज से त्रस्त है। दिल्ली के वाहन रोज बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों से त्रस्त है। दिल्ली का ग्रामीण 15 साल से ना बढ़े लाल डोरे और सेक्शन 81 से त्रस्त है। दिल्ली की अनाधिकृत कॉलोनियां सोनिया गांधी द्वारा बांटे गए झूठे प्रोविजनल सर्टिफिकेट से त्रस्त है। दिल्ली के झुग्गीवासी मूलभूत सुविधाओं के अभाव और राजीव रत्न आवास के झूठे फॉर्मों से और झूठे शिलान्यासों से त्रस्त है। दिल्ली की बीमार जनता सरकारी अस्पतालों में फैली व्यापक अव्यवस्था से त्रस्त है। दिल्ली की इस भयानक तस्वीर का जिम्मेदार कौन? मुझे आशा है कि आप कमल खिलाएंगे, कमल पे बटन दबाएंगे। बीजेपी द्वारा जनहित में जारी